अब चीन के टैंक से लेकर फाइटर जेट्स तक होंगे खा। सेकेंड्स में बिजली की गति से राख होगा दुश्मन का टैंक और फाइटर जेट। डीआरडीओ के हाल ही में किए गए परीक्षण से दुनिया में मचा तहलका। इसराइल से भी घातक हथियार बनाया डीआरडीओ ने। अमेरिका, रूस और चीन के पास भी नहीं है ऐसा हथियार। दोस्तों, डीआरडीओ के इस परीक्षण को क्यों इतना छुपाया गया? खबरों में दिखने वाले दुर्गा हथियार के बारे में क्यों नहीं है इतनी जानकारी? दोस्तों, वर्तमान में जिस तरह के भारत के दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान जिस तरह से काम कर रहे हैं, हर जगह भारत को रोकने की कोशिश करते हैं और कैसे न कैसे करके भारत के लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिश करते हैं, उसको देखते हुए भारत को सैन्य रूप से अपने पास कई बार ऐसे हथियार रखने पड़ते हैं जो भारत चलाता तो नहीं है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए और पाकिस्तान को कांपाने के लिए रखता है। दोस्तों, इसी को कहते हैं डेटरेंस पॉलिसी, जिसके तहत भारत अपने परमाणु हथियारों को भी बनाता है। लेकिन आज हम यहाँ परमाणु हथियारों की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एक ऐसे हथियार की जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक तरह से आसमान से गिरती हुई बिजली है, जो किसी भी फाइटर जेट या किसी भी टैंक पर गिरती है तो मिनटों में उसको राख में तब्दील कर सकती है। दोस्तों, ये सोचने में ही भयानक लगता है, जैसे 2 सेकंड की बिजली एक 500 किलोग्राम के वजनी टैंक को चुटकियों में राख कर सकती है। अक्सर जब भी ऐसे हथियारों की बात होती है तो कहा जाता है कि ऐसा हथियार बना ही नहीं है और ऐसी तकनीक अभी किसी भी देश के पास नहीं। लेकिन दोस्तों, कई बार इन हथियारों को छुपाना पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई घातक हथियार का निर्माण कोई देश करता है तो दूसरे देश जिनके पास ये नहीं होता, वो अक्सर कुछ न कुछ तिगड़म लगाकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और संधियों का सहारा लेते हुए उस देश के उस घातक हथियार को अंतर्राष्ट्रीय शांति के उल्लंघन का कारण बताते हैं और उस हथियार को नष्ट करने के लिए उस देश को मजबूर करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको वो घातक हथियार के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका जिक्र इस बार खुद डीआरडीओ ने सबके सामने किया। और दोस्तों, ये हथियार मिनटों में दुश्मन देश के फाइटर जेट को एक झटके में खत्म कर सकता है। दोस्तों, डीआरडीओ का जो ये घातक हथियार है, इसका नाम है डीआरडीओ रेलगन। जी हाँ दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने एक ऐसा हथियार तैयार किया जो बिना बारूद के ही दुश्मन के सीमा में 200 किलोमीटर घुसकर पूरी तरह से भस्म कर देगा। यह इंद्र के वज्र की तरह इतनी बिजली पैदा करेगा कि दुश्मन का कोई भी ठिकाना पलक झपकते ही बर्बाद हो जाएगा। भविष्य की सुरक्षा तैयारियों के तहत भारत ऐसा घातक हथियार तैयार कर रहा है जो कि दुश्मनों के लिए काल होगा। दोस्तों, डीआरडीओ ने इसका नाम रेलगन रखा है। यह 200 किलोमीटर दूर लक्ष्य को ध्वस्त कर सकता है। इसमें बारूद का इस्तेमाल नहीं होगा, महज एक इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार की जाएंगी। इससे फिर बिजली के गोले बरसाए जाएंगे। इन गोलों की रफ्तार ध्वनि से 6 से 7 गुना ज्यादा होगी। तीनों सेनाएं दुश्मन के लड़ाकू टोही विमान, मिसाइल, जंगी जहाज, तोप और जमीनी ठिकानों को बर्बाद करने में कर सकती है। अमेरिका, रूस और चीन भी हैं इसमें पीछे। जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ की पुणे स्थित प्रयोगशाला आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ARDE इस हथियार प्रणाली को तैयार कर रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ऐसा हथियार दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है और अमेरिका, रूस और चीन इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, यही बात भारत को चीन पर बढ़त दिलाती है कि ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैसे हथियार बनाने में भारत चीन से काफी आगे है। और अगर LAC पर कभी युद्ध की स्थिति आती है तो भारत इस हथियार के दम पर युद्ध का परिणाम बदल सकता है। कैसे काम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन? दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के काम करने का तरीका दूसरे हथियारों से बेहद अलग है। पुणे में ARDE ने 10 MJ कैपेसिटर बैंक के बेस पर रेलगन बनाया है। इसे पावर टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेट करने लायक बनाया गया। इस फैसिलिटी का इस्तेमाल 2000 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा हाइपर वेलोसिटी प्रोपल्शन बनाने के लिए किया जाएगा। ये प्रयोग एक गतिशील प्लेटफॉर्म पर किया गया था। रेलगन में 10 MJ के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया। इसके परीक्षणों और काम करने के तरीकों पर भी गौर किया गया, जिसमें अलग अलग फायरिंग में अलग अलग नतीजे सामने आए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के जरिए 12 mm से लेकर 45 mm तक के फायर ऑब्जेक्ट दागे जा सकते हैं। इनका वजन 80 ग्राम, 120 ग्राम, 250 ग्राम और 500 ग्राम तक हो सकता है। दोस्तों, दुनिया में केवल 2 ही देश हैं जिन्होंने इस तरह के हथियार बना लिए हैं और वो हैं भारत और इजराइल। जी हाँ दोस्तों, इजराइल भी इस तरह का हथियार बना चुका है। कांग्रेस को अपनी सैन्य अभियानों में भी शामिल करता है। और दोस्तों, भारत ने भी DRDO निर्मित रेलगन का हाल ही में अक्टूबर महीने में सफल परीक्षण किया और इसको इसी साल दिसंबर महीने के अंत तक भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन? दोस्तों, रेलगन्स की गिनती भारत के सबसे घातक हथियारों में होती है।
ये बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को आसानी से फायर करने में सक्षम होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन किसी ऑब्जेक्ट को बेहद तेज गति से दाग सकती है, जो निशाने पर जाकर तबाही मचा सकती है। अमेरिकी नौसेना जिस प्रोटोटाइप रेलगन प्रोजेक्टाइल को ध्वनि की गति से 6 गुना तेज कर सकता है, ये दुनिया के किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक है। इसकी रफ्तार करीब 5,400 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। किलोमीटर की बात करूं तो दोस्तों, DRDO की रेलगन की हमला करने की रफ्तार 8,700 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि LAC सीमा पर चीन बड़ी मात्रा में आत्मघाती ड्रोन से लेकर अपने मेन बैटल टैंक तक को स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, दूसरी ओर LOC सीमा पर भी आए दिन हम देखते हैं कि पंजाब सीमा से लगे क्षेत्रों और ऊपर से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से काफी ड्रोन आते हैं, जो भारत में आतंकियों को हथियार प्रोवाइड कराते हैं। अब दोस्तों, ऐसे में अगर LOC सीमा पर भारत DRDO निर्मित ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव छोड़ने वाला लेजर हथियार तैनात कर देता है, तो ये हथियार LOC सीमा पर कहर मचा देगा। और जो हथियार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के माध्यम से भारत के आतंकियों को भेजे जाते हैं, वो सारे हथियार और ड्रोन ये एक ही सेकंड में नष्ट कर सकता है, क्योंकि दोस्तों इसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर है। ऐसे में LAC सीमा पर जो चीन के ड्रोन उड़ते हैं, जो कभी कभी भारतीय सीमा के अंदर भी घुसने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी चीन के जो फाइटर जेट होते हैं, जो कभी कभार ऐसी सीमा का उल्लंघन करते हैं, उनको भी राख में तब्दील करने के लिए ये रेलगन एक भयानक हथियार साबित हो सकती है। और दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं कि DRDO ने अभी तक बस यही घातक हथियार बनाया, तो दोस्तों आप गलत हैं। दरअसल DRDO इससे भी घातक हथियार पर काम कर रहा है, जिसकी ज्यादा जानकारी अभी मीडिया में नहीं आई, बस DRDO काम कर रही है इसी बात की खबर है। और दोस्तों, ये घातक हथियार कुछ और नहीं बल्कि लेजर बीम हथियार है, जिसका नाम है दुर्गा 2। दुर्गा 2 के वार से ध्वस्त होंगे दुश्मन के ड्रोन। दोस्तों, LAC और LOC सीमा पार की हरकतों को लेकर देश के वैज्ञानिक भी सतर्क हैं और उन्हें नस्तनाबूद करने की प्रणाली विकसित की जा रही है। दुर्गा 2 परियोजना देश की एक विशिष्ट गोपनीय योजना है, इसलिए इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिल सकी। लेकिन दोस्तों, कम जानकारी होने के बावजूद सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये लेजर तकनीक पर आधारित तंत्र होगा। 100 किलोवाट की क्षमता वाली इस प्रणाली से लेजर बीम के जरिए किसी भी ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट को 1.5 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में ही नष्ट किया जा सकेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्गा 2 में दुश्मन के ड्रोन को खोजने, उसे पहचानने और लक्ष्य पर लेकर उसे कई हिस्सों में भेदने की क्षमता होगी। ये प्रणाली एक बार में कई लक्ष्यों को पहचान और उसे लेजर ऊर्जा के सहारे नष्ट कर सकेगी। हालांकि दोस्तों, अभी तक DRDO इसके निर्माण कार्य में लगी हुई है, लेकिन ये कब तक तैयार होगा, इस पर DRDO और भारत सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई और इसको अभी गुप्त रखा गया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।